हेलो, मैं आ गई। कहो क्या कहना है? कहना तो कुछ भी नहीं, बस आपसे जाने की आज्ञा लेने आया हूँ। आज्ञा लेने आए हो? इन श्री चरणों को आप हमसे दूर ले जाएंगे तो जैसे यज्ञ के पश्चात यज्ञ कुंड में केवल जली हुई लकड़ियों की राख रह जाती है, उसी प्रकार आपके जाने के पश्चात वृंदावन में केवल राधा की भस्म ही रह जाएगी। इस पीड़ा का मर्म आप नहीं समझ सकते, केवल एक प्रेमिका ही समझ सकती है। केवल प्रेमिका ही क्यों, प्रेमी के हृदय में भी तो पीड़ा होती है। जिस कार्य को करने का भार उठाया है वो कर्तव्य तो हमें पूरा करना ही होगा, ये तो आप जानती हैं। हाँ, जानती हूं कि आपको अपनी लीला, अपना कर्तव्य राधा से भी अधिक प्यारा है, परंतु आप ये नहीं जानते कि राधा को आपसे अधिक प्यारा और कुछ भी नहीं, उसके लिए और कुछ है भी तो नहीं। राधा के सारे कर्तव्य, सारे कार्य, उसकी सारी आशाएं, आकांक्षाएं, उसकी सारी पूजाएं, अर्चनाएं, ये सब कृष्ण के चरणों में ही अर्पित हैं। लो, मैं आ गई। कहो क्या कहना है? कहना तो कुछ भी नहीं, बस आपसे जाने की आज्ञा लेने आया हूं। आज्ञा लेने आए हो या मेरे प्राण लेने आए हो? राधे, प्राण तो हम दोनों के एक ही हैं, केवल शरीर दो हैं। ये बिछड़ना तो केवल दो शरीरों का है, परंतु बिछड़ने के बाद हमारी क्या दशा होगी, ये नहीं सोचते? सोचता हूं, परंतु जो निर्धारित हो चुकी है वो लीला तो हमें करनी ही होगी।